नमस्कार, हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू CIETN CRT's लाइव फोन एंड इंटरैक्टिव प्रोग्राम। मैं हूं तन्वी खुराना और नाइन्थ क्लास के सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज के इस सोशल साइंस के कार्यक्रम में। जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। अब आप सोच रहे होंगे ये जो विलेज पालमपुर है ये किस तरह से खास है, इसकी कहानी कितनी खास है, क्यों हमें उसे जानने की, पढ़ने की, समझने की ज़रूरत है, ये आपको बताएंगे हमारे आज के मेहमान। इसका पार्ट टू हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर किसी भी कारणवश आपने भाग एक नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। इस वक्त आप हमें लाइव देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 9 पर, और अगर कोई सवाल है आपके पास तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, नंबर है 8800440559। ईमेल आईडी के माध्यम से सवाल पहुंचाना चाहें तो वो होगा dth.class9@cit.nic.in। चलिए आपका परिचय करवाना चाहेंगे हमारे आज के गेस्ट से। हमारे साथ हैं श्री सुशील कुमार जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद मैम, और पीएम विद्या चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्नेह। थैंक यू सो मच सर। सर हैं PGT इन हिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय असनसोल, वेस्ट बंगाल से, और सर से करेंगे हम बहुत सारी बातचीत आज के इस विषय से जुड़ी हुई द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पर। इस बातचीत को शुरू करें इससे पहले हम आपको एक जानकारी देना चाहेंगे। वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया अज्यूम्ड G20 प्रेसिडेंसी एंड वुड कन्वीन द G20 लीडर्स समिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री दिस ईयर, दैट इज 2023। अ नेशन डीपली कमिटेड टू democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding global pragmatic solutions for the well-being of all, and in doing so manifest its true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or should I say the world is one family. Vasudhaiva Kutumbakam also translates to one earth, one family, one future, and that is exactly the theme of this year's India's G20 presidency. So let's begin this conversation. Without further ado, I would like to ask sir, क्योंकि आज हम यहाँ इस विषय का भाग दो डिस्कस कर रहे हैं, भाग एक में आपने बच्चों को क्या सिखाया था, समझाया था, थोड़ा सा उसका रीकैप देना चाहेंगे? जी मैम, बिल्कुल। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली इट इज वेरी नीडेड टू गेट अ लिटिल समरी ऑफ द चैप्टर एज तन्वी मैम हैज सेड। सो बच्चों, आपको मालूम होगा इन द फर्स्ट सेशन आई हैव टोल्ड दैट पालमपुर, द स्टोरी वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज नॉट अ रियल विलेज, इट इज अ हाइपोथेटिकल विलेज, इट इज एन इमेजिनरी विलेज, एंड थ्रू द स्टोरी ऑफ दिस विलेज एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन द रूरल एरिया, वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन in the rural areas. So let's see first what are the topics that we have discussed in the session 1. So before discussing the economic activities of Palanpur, various factors of production, we have discussed about the geographical location of Palanpur, social conditions of Palanpur, major economic activities in Palanpur, the factors important in the organization of production, then types of capital, and at last, difference between working capital and fixed capital. Now let's see which topics are left in this session for today, that is limitation of land as resource, various ways to grow more from the same piece of land, then how do the land sustain such pressure, who will provide the labor, problem faced by the farm laborers of Palanpur, arrangement of capitals for farming, non-farming activities in farming. So ma'am, let me start with the session today. Sure sir. Okay. So bachcho, bahut sare topic pe humne discussion kiya tha pichle session mein. Humne different factors of production for the agriculture, uske bare mein discussion kiya tha. We have also discussed about the different types of capital. Today, we will begin our session with the limitation of land as resource. Now, agriculture could be conducted on the land only. Jameen pe hi kheti sambhav hai.
और इसीलिए जमीन की क्या सीमाएं हैं प्रोडक्शन के लिए, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ लैंड. बच्चों ऑल यू नो दैट फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन पालमपुर एंड मोर देन 75% ऑफ द पीपल इन पालमपुर आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड. नाउ इट मे बी अ क्वेश्चन, हु आर दीज 75% पीपल? दे कुड बी द फार्मर्स और दे मे बी द फार्म लेबर्स. वो किसान भी हो सकते हैं या वो कृषक मजदूर भी हो सकते हैं. इधर दे आर द फार्मर्स और दे आर द फार्म लेबर्स, बट द वेल बींग ऑफ दिस पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन द फार्म. चाहे वो कृषक हो चाहे वो कृषि मजदूर हो, दोनों का हित, दोनों की भलाई जमीन से ही जुड़ी हुई है. जमीन से ही उनकी जरूरतों की पूर्ति होती है. बट द मेजर कंसर्न फॉर देम इज दैट द एरिया ऑफ लैंड इज फिक्स्ड. जमीन का जो क्षेत्र है, जो जमीन का जो क्षेत्रफल है, वो क्या होता है किसी भी गांव के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए या किसी भी देश के लिए, एरिया क्या होता है फिक्स्ड होता है. पॉपुलेशन घट बढ़ सकती है, मोस्ट ऑफ द केसेस पॉपुलेशन क्या होता है बढ़ती है, लेकिन एरिया ऑफ द लैंड क्या होता है फिक्स होता है. पालमपुर की भी कहानी बच्चों यही है. सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन ऑफ लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन. हालांकि सम ऑफ द वेस्ट लैंड इन द विलेज हैड बीन कन्वर्टेड टू द कल्टिवेबल लैंड. आप देख सकते हैं 1960 से खेती की जमीन में पालमपुर में कोई बदलाव नहीं आया है. थोड़े बहुत जो बेकार जमीनें थी, जो बंजर जमीनें थी, उनको किसी तरह से कन्वर्ट करके खेती के लायक बनाया गया. देयरफॉर द मेजर कंस्ट्रेंट, द बेसिक कंस्ट्रेंट ऑफ द विलेजर इज रेजिंग फार्म प्रोडक्शन फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड. आई थिंक यू गेट अंडरस्टूड दिस पॉइंट. सो द लैंड इज फिक्स्ड, पॉपुलेशन इज मोर, तो चिंता क्या होगी कि भाई अब हम जमीन तो बढ़ा नहीं सकते क्योंकि जमीन फिक्स होता है, उसको किसी तरह से बढ़ाया नहीं जा सकता. पॉपुलेशन बढ़ रही है तो अब इसका समाधान क्या ढूंढेंगे कि जमीन के उसी टुकड़े से हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार करें. मोर एंड मोर प्रोडक्शन कुड बी डन ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड. देन द क्वेश्चन विल रिमेन. इससे एक क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन क्या होगा कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, एक ही जमीन से हम ज्यादा पैदावार कैसे कर सकते हैं. हाउ कुड वी ग्रो मोर एंड मोर फ्रॉम द सेम पीस ऑफ लैंड. लेट स्टार्ट टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. देखिए बच्चे, बहुत सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम उसी जमीन से अपनी पैदावार को बढ़ा सकते. The first way the farmers had adopted in village Palampur was what? All land was cultivated in Palampur. No land is left idle. जमीन का कोई भी हिस्सा छोड़ा नहीं गया है, पूरी जमीन पे वहां पे खेती की जाती है. During the rainy season, kharif crops are grown. People also grow jowar and bajra to feed the cattle. It is followed by the cultivation of potato between October to December. In the winter season, farmers of Palampur sow rabi crops and they used to produce wheat, and the surplus wheat is being sold to the nearby market Raigunj. A part of the land area is also devoted to the production of sugarcane which is harvested once in every year. Sugar cane in raw form as jaggery is sold to traders in Sahar. तो बच्चों आपने देखा होगा, जमीन का इस्तेमाल पूरी तरह से कर रहे हैं, खरीफ क्रॉप उगा रहे हैं, रबी क्रॉप उगा रहे हैं, खाली समय में पोटेटो उगा रहे हैं, कुछ हिस्से पे सुगर केन भी उगा रहे हैं, और इस तरीके से जमीन का समुचित इस्तेमाल करके जमीन से पैदावार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं पालमपुर के किसान. आइए नाउ विल डिस्कस द सेकेंड पॉइंट.
और क्या तरीका अपनाया जा सकता है? मल्टीपल क्रॉपिंग द सेकेंड वे टू ग्रो मोर एंड मोर इन द सेम पीस ऑफ लैंड इज टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन सेम पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग। किसी एक ही जमीन के टुकड़े पे हम एक से ज्यादा क्रॉप एक ही जमीन पर एक ही साल के भीतर हम एक से ज्यादा क्रॉप जब हम उगाते हैं एक साथ then it is known as multiple crop. It is the most common way of increasing production on the given piece of land. Now come to the third point, well developed system of irrigation. The main reason why farmers are able to grow three different crops in a year in Palanpur is due to the well developed system of irrigation, and it is only possible due to the availability of electricity. बच्चों इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पालमपुर गांव में सोशल कंडीशन चाहे जो भी हो, इकोनॉमिकल कंडीशन चाहे जो भी हो, बट डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्वाइट गुड हियर। रोड का नेटवर्क अच्छा है, हेल्थ फैसिलिटी भी अच्छी है, स्कूल भी हैं, साथ ही साथ वहाँ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हर एक घर में मौजूद है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा है कि पालमपुर के गांव के जो लोग हैं वो तीन तरह की फसलें तीन अलग अलग सीजन में उगाते हैं, खरीफ फसल, रबी फसल, उसके बाद आपने देखा आलू की भी फसल उगाते हैं। और यही कारण है कि इलेक्ट्रिसिटी हर एक घर में मौजूद होने के कारण एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ इरिगेशन डेवलप हो चुका है, जिसके कारण वहां पे पैदावार जो है पर हेक्टेयर लगातार बना है। सिंस mid 1970s the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated, वहाँ की सारी जमीन irrigation के अंदर में लाई जा चुकी है, जिससे वहाँ का production तेजी से बढ़ा है। Next method we can say to increase more and more production in the same piece of land is the introduction of modern farming. बच्चों the other ways to get higher yield is the use of modern farming method. क्या है modern farming method और क्या इससे होता है? बच्चों till the mid 1960s के mid तक आप देखेंगे कि जो फसलें उगाई जाती थी वो traditional seed से उगाई जाती थी, but 1960s and onwards green revolution का आगमन होता है, एंड आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन एच वाई बी सीड्स का कल्टीवेशन में प्रयोग क्या होता है, बढ़ता है। एंड एच वाई बी सीड्स कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड्स उनकी जो यील्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बच्चों ये ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था, कब इंट्रोडक्शन इसका इंडिया में हुआ था, आपने 9th क्लास में या उससे पहले 8th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा एग्रीकल्चर वाले चैप्टर। The Green Revolution in India was introduced in 1960s under the, you can see, guidance of the great scientist M.S. Swaminathan, helped Indian farmer to cultivate high and qualitative production of wheat and rice using high yielding variety of seed. And these higher yields were possible only from a combination of HYB seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. ये जो green revolution जो possible हुआ था, green revolution केवल HYB seeds के आने से नहीं हुआ। Green revolution के तहत कई सारे recommendation दिए गए थे, जिसके कारण HYB seeds के साथ साथ chemical fertilizers का प्रयोग भी start हुआ था, pesticides का प्रयोग आरंभ हुआ था, irrigation facilities को improve करने के लिए recommendation दिया गया था। इन सब के कारण जो है सेम पीस ऑफ लैंड जिसकी पैदावार दर बहुत कम थी अब वहां बहुत ज्यादा पैदावार होना शुरू हो गया। बच्चों सो प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज डेफिनेटली इंक्रीज, बट हियर अ क्वेश्चन विल रिमेन लेफ्ट। एक क्वेश्चन यहाँ पे निश्चित रूप से उभरेगा, वो क्या कि हम जिस प्रकार से जमीन पे लगातार दबाव बढ़ा रहे हैं, हम जमीन को फेलो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हैं ताकि वो फर्टिलिटी रिगेन कर सके, हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल लगातार बढ़ा रहे हैं,
पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, इरिगेशन जो है को लगातार हम इंक्रीज कर रहे हैं, उसका जमीन पे क्या असर पड़ेगा और क्या जमीन इस फोर्स को, इस प्रेशर को सस्टेन कर पाएगी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। बच्चों, लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, हम सभी को पता है, और इसीलिए लैंड को संभाल के रखना, उसकी फर्टिलिटी को बचाए रखना ये बहुत ही जरूरी होता है, और ये तभी हो सकता है जब हम लैंड का इस्तेमाल केयरफुली कर सकते। बट अ साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग हैव ओवरयूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज बेस। आप देख सकते हैं, एक वैज्ञानिक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि हम जिस तरीके से मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का बेस है उसका ओवर यूज हो रहा है, एंड दिस रिसोर्सेज आर कम टू एन एग्जस्ट, वो एग्जस्ट होने वाले कंडीशन पे पहुंच। फॉर एग्जांपल, यू कैन सी इन मेनी एरियाज ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। देखिए, केमिकल फर्टिलाइजर ने फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस रैपिड तरीके से केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग बढ़ा है उसने जमीन की फर्टिलिटी को लगातार कम करना शुरू कर दिया। इंक्रीज यूज ऑफ इरिगेशन हैज आल्सो रिड्यूस्ड द वाटर बिलो द ग्राउंड। जिस तेजी से इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ी है, निश्चित रूप से हमें वाटर इरिगेशन ने प्रोडक्शन बढ़ाया है, पैदावार को बढ़ाया है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा निगेटिव इंपैक्ट हुआ है कि अंडरग्राउंड वाटर का लेवल काफी नीचे चला गया है। तन्वी मैडम, मैं एक एक्सपीरियंस के द्वारा बताना चाहता हूँ। जी, मेरा होम टाउन बिहार में झाझा है, और मेरा घर जो है एक नदी के किनारे, एक सीजनल रिवर है, एक पेनिनसुलर रिवर है, उलाई रिवर के नाम से जाना जाता है। नदी के किनारे घर होने के कारण ऑलमोस्ट 5 to 6 meters के खुदाई पे, बोरिंग करने पे, हमारे यहाँ जो हैंड पंप्स होते थे उनमें पानी आ जाया करता था। बट इवन आफ्टर आवर होम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर, आज वहां वाटर लेवल 30 to 40 feet यू कैन से गहरा हो चुका है। जो 5-6 feet पे पानी निकल जाता था अंडरग्राउंड वाटर लेवल, वो आज 30 to 40 feet जा चुका है। मैंने बच्चों अपने घर का उदाहरण दिया है, अगर आप अपने आस पास भी देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको यही स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जिस तेजी से इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ी है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल क्या हुआ है, बहुत तेजी से एडजस्ट हुआ। और बच्चों, इसीलिए जरूरी है कि हम अपने एनवायरमेंट का टेक केयर करें, और एग्रीकल्चर में जो भी डेवलपमेंट हो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम जोड़ दें। अब बच्चों, सवाल होता है, खेती मुख्य क्रिया है, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी है पालन। सवाल उठता है कि इन खेतों पे काम कौन करे? बच्चों, 3 तरह के किसान हमने देखे थे, एक स्मॉल फार्मर्स, एक मीडियम फार्मर्स एंड एक लार्ज लैंड ओनर्स। और हम सभी जानते हैं खेती में बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है। जी, अब जो छोटे किसान हैं वो तो अपने खेतों में अपने परिवार की मदद से खुद से खेती कर रहे हैं, और इस तरीके से जो आवश्यकता लेबर की होती है वो आवश्यकता पूरी हो जाती है। लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, लेबरर्स को हायर करते हैं और उनकी मदद से अपने खेतों में खेती करवाते हैं। फार्म लेबरर्स कम इधर फ्रॉम नेडलेस फैमिलीज, और दे बिलोंग टू द फैमिलीज हैविंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। अब जो हमने बात किया, ये जो मीडियम फार्मर्स हैं या जो लार्ज फार्मर्स हैं, वो मजदूर कहाँ से लाते हैं? ये मजदूर वो होते हैं या तो जिनके पास अपनी जमीन बिल्कुल भी ना होती है, या उनके पास अपनी बहुत छोटी जमीन होती है। और चूंकि ऐसे लोगों की संख्या गांव में ज्यादा है, इसीलिए ये जो मजदूर है या जो छोटे किसान है, कम मजदूरी में भी या क्रॉप्स के बदले में, बच्चों बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, बार्टर सिस्टम के रूप में भी मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कई बार इन मजदूरों को भोजन भी बिजनेस के रूप में मिल जाता है। अब बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या मजदूरों की संख्या हमने देखी ज्यादा?
जमीन चूंकि फिक्स है इसलिए जमीन का आकार नहीं बदल सकता। तो क्या ऐसे में पालमपुर के इन मजदूरों को कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बच्चों, बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना। पालमपुर के जो ये किसान हैं, उनकी मजदूरी सरकार के द्वारा फिक्स किए गए मजदूरी से भी कम है। बच्चों, आपको मालूम होगा गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड द मिनिमम वेजेस इन ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री। हर एक देश में एक न्यूनतम मजदूरी का दर फिक्स कर दिया गया है ताकि मजदूरों का शोषण ना हो सके। बट इवन आफ्टर द फिक्सेशन ऑफ वेजेस इन पालमपुर, मोस्ट ऑफ द फार्म लेबरर्स आर प्रेशराइज्ड टू वर्क ऑन द लोअर वेजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। अब ऐसा क्यों होता है? पहला यही कारण है कि जमीन कम है, मजदूर की संख्या ज्यादा है। और दूसरा बड़ा रीजन क्या है कि मॉडर्न मशीनरीज ने मजदूरों की जरूरतें भी कम करनी शुरू कर दी। और यही कारण है कि इन मजदूरों को चूंकि काम बहुत कम मिल पाता है, इसलिए ये जो बड़े किसान जो भी मजदूरी दर देते हैं उस मजदूरी दर पे वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आता है सवाल, जो ये किसान है, आपने देखा स्मॉल फार्मर्स, मिडिल फार्मर्स और द लार्ज फार्मर्स, वो कैपिटल को कैसे अरेंज कर? बच्चों, ज्यादातर किसानों के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं और चूंकि खेती का तरीका बदलता जा रहा है इसलिए एक्सपेंसेस ऑन फार्मिंग बढ़ती जा रही है। इसलिए अब किसानों को पहले की तुलना में ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ये छोटे किसान बेचारे वो बेचारे वाली स्थिति में आ जाते हैं। क्यों बेचारे वाली स्थिति में आ जाते हैं? क्योंकि उनके लिए कैपिटल का अरेंजमेंट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब समस्या क्या होती है, चाहे वो बैंक्स हो, बैंक जो है रूरल एरिया में अवेलेबल नहीं है। अगर अवेलेबल भी है तो इन किसानों के पास क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं होती। इसलिए ये किसान मजबूर हो जाते हैं, जो गांव के महाजन होते हैं, मनी लेंडर्स होते हैं, उनसे हाई इंटरेस्ट पे लोन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और धीरे धीरे कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। जबकि मीडियम और बिग फार्मर्स की बात करें तो दे यूज टू अरेंज मनी फ्रॉम देयर ओन सेविंग, जो उन्होंने खेती करती होती है, जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको बेचकर जो उनकी सेविंग होती है, या कभी कभार जरूरत पड़ती है तो वो निकट के बाजार के जो बैंक्स होते हैं उनसे वो लोन भी आसानी से उपलब्ध करा लेते हैं। जी सर, तो बच्चों क्या आप इसे रैप अप करेंगे प्लीज, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। लास्ट टॉपिक है एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। जी तो बच्चों, हमने देखा फार्मिंग पालमपुर की मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, बट बिसाइड द फार्मिंग देयर आर सेवरल अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज आल्सो, एंड वन ऑफ द मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ विलेज पालमपुर इज द डेयरी। बहुत सारे परिवार डेयरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। क्या करते हैं वो, दूध का कलेक्शन करने के बाद वो निकट के गांव जो बाजार है रायगंज में बेच आते हैं, और इस रायगंज बाजार में साहपुर जो शहर है उसके ट्रेडर ने कलेक्शन सेंटर्स बना रखा है जहां किसानों से खरीदे गए सारे दूधों को कलेक्ट किया जाता है। इस तरीके से किसानों को सपोर्टिंग इनकम मिल जाता है। इसी तरह छोटे मोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी डेवलप किए गए हैं जहाँ छोटे मोटे प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन इसमें मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है, परिवार के सदस्यों की मदद से ही ये स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज को अंजाम दिया जाता है। जी कुछ सारे लोग छोटे छोटे दुकानों के द्वारा भी अपने लिवलीहुड को पूरा करते हैं, एंड बिसाइड्स दिस ट्रांसपोर्टेशन एंड फिशिंग इज आल्सो अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पालमपुर। तो बच्चों, इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को आज का सेशन पूरी तरह से समझ में आ गया। बिल्कुल सर, आपने जिस प्रकार से समझाया है बच्चों को बहुत अच्छे से ये पूरा प्रोग्राम, ये पूरा जो चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, समझ में आ गया होगा। और अगर वो पार्ट वन और पार्ट टू दोनों साथ में देखेंगे तो उन्हें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। सर बेहद धन्यवाद आज हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। थैंक यू। थैंक यू मैडम, आपको भी थैंक यू।
थैंक यू सभी दर्शकों को, हमारी तरफ से भी आपने कार्यक्रम देखा, आपको पसंद आया, उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेंगे ई विद्या चैनल्स के माध्यम से, क्योंकि अभी हमारे पास हैं बहुत सारे प्रोग्राम्स आप सभी के लिए। थोड़ी देर में हाजिर होंगे मैथ्स का एक कार्यक्रम लेकर क्लास 9th के सभी बच्चों के लिए, और टॉपिक होगा पॉलिनोमियल्स पार्ट 2। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, कहीं मत जाइएगा। और जाने से पहले बताना चाहेंगे एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो अब आप खरीद सकते हैं, मौजूद हैं पूरे देश में, और कुछ माध्यम हैं जिनके ज़रिए आप खरीद सकते हैं, या तो आप उनके डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ वर्शन एनसीईआरटी दीक्षा या ई पाठशाला की वेबसाइट, या फिर उसकी मोबाइल एप्लीकेशन से, या फिर सेल्स काउंटर में जाकर खरीद सकते हैं, जो सुबह 9:30 बजे से 6 बजे तक मौजूद है नई दिल्ली में, बेंगलुरु, अहमदाबाद, कोलकाता और गुवाहाटी में। तो ये जानकारी हम आपको हर सेशन में रिपीट करते रहते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी किताबें खरीद लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, यहीं पे रहिए, कहीं मत जाइएगा, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।